मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, वो क्या बोलते हैं, बीट गैजम, यार ओल्ड स्कूल बीट हम दोनों को ही बहुत पसंद है ना, अपने जहन में रख के, और या तो आप मर जाओ या तो आप इसी फिर बात पे छोड़ और दिए, जो होपलेस इंसान होता है ना वो लाश की तरह ही वो लाश होता की है, तरह ही। तरह ही। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्यूष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त जबरदस्त होंगे। होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड जैसा कि आप जानते हैं गाइस, हम कभी इंडिया में रहते हैं, कभी नेपॉप चल जाते हैं, कभी पाकिस्तान में, कभी और अलग अलग आर्टिस्टों को हम ढूंढते रहते हैं। तो आज हम दोबारा हम नेपॉप वर्ल्ड की तरफ गए और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को हमने पिक करा है गाइस। और इस आर्टिस्ट का एक गाना है जिसकी हमें बहुत ज्यादा फरमाइशें भी आ रही थी कि ये गाने को हम पिक करें गाइस, तो हमने आज ये गाना पिक कर लिया है। हमारे आर्टिस्ट का नाम है यूनिक पोएट, इनका 1994 करके गाना है गाइस, तो बहुत ही फेमस गाना है और बहुत ज्यादा इसके लिए फरमाइशें आई थी। तो एक इंसान है जिन्होंने बहुत ज्यादा फरमाइश करी थी इसके लिए, हमारे व्यूअर है, उनका नाम है मिस्टर किरण थापा। तो हमने आज उनके आज आपकी फरमाइश पिक कर ली है किरण जी, एंड आज हम इसको रिएक्ट करने वाले हैं इस गाने पे। लेट्स सी, आपको हम होप करते हैं कि आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगेगा और आप हमारे साथ एंजॉय करें। तो गाइज, ये तो सारी जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी मेरे बड़े भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। सो लेट्स सो गो। गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई एक बार फिर से एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका हम दोनों ही बहुत बड़े बहुत बड़े फैन फैन हैं, है यूनिक पोएट, और उनका ट्रैक का नाम है 1994। तो 94। गाइस इस पे हम रिएक्शन करेंगे, होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो गाइस हमारी पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। 1994 और इकोनॉमी म्यूजिक, इस तरह का ना, ये जो स्टार्ट होती थी ये। Patience and endeavor, that's my recipe for growth. Yeah, ain't tryna live with a sin. Let the positivity win. If you wanna bring any change, it gotta come from within. So I woke up early in the morning with a message. You're either dead or dedicated in this path that you're headed. Yeah, and I'm speaking from the core of my heart. It's hard to live with the light without ignoring the dark. But I try my best 'cause that's the only thing I can do. I'd like to thank you, Jermaine, for setting a good example. Every time I bump Forest Hills Drive, I tell myself I wanna spread the same kind of vibe to the kids in the world. Finally come alive. Hope I still remain true to my authentic side. Bye. बहुत सही कह रहे हैं भाई, वो भाई मतलब एक तो बोलते बीट हैं, यार एक तो बीट है जो बीट स्टार्ट ओल्ड में स्कूल बीट स्टार्ट हो रही है हल्की से आते ड्रिल बीट के आते ही साथ। साथ मतलब उसने ना ऐसा वो कर दिया कि मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, वो क्या बोलते हैं, बीट गैजम हो गया भाई यार साहब। लिटरली भाई, मतलब ना यार ओल्ड स्कूल बीट हम दोनों को ही बहुत पसंद है ना, एक तरीके का हम नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं क्योंकि हम बड़े ही ओल्ड स्कूल ओल्ड हिप हॉप स्कूल सुन के ही हमने बड़े हुए बहुत हैं, सुना है। और तो जब ओल्ड स्कूल बीट सुनने को मिलती है ना, और वो भी इस स्टाइल ऑफ रैप में, क्योंकि ये ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ क्योंकि रैप ही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हिप हॉप है वो ओल्ड स्कूल बीट है क्योंकि वो प्योर है, वो प्योर प्योर है, है प्योर है, वो उसमें किसी प्योर तरह का उसी ब्लेंडिंग नहीं ब्लेंड थी। नहीं होता था और ना जिस जिससे से स्टाइल का रैप कर रहे हैं इंग्लिश में यूनिक पोएट, वो भी ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप ही है। वो तो तो कह रहे हैं कि आई जस्ट वॉन्ट बी बेटर बेटर देन हु आई वॉज बिफोर, कि बिफोर मतलब मैं बेटर होना चाहता हूँ किससे, जैसा कि मैं अपने आप पहले से। अपने आप से जैसा कि मैं पहले था। बिल्कुल पेशेंस एंड एंडेवर, दैट्स माय रेसिपी फॉर ग्रोथ ग्रोथ एंड ट्राइंग टू लिव विद द सिन, लेट द सिन पॉजिटिविटी विन। विन तो वही बोल रहे हैं कि यार मैं सिन के साथ नहीं रहना चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव है मेरे वो अंदर की हर पॉजिटिविटी दिन वो जीते जीते। जीते तो इस एंड तरीके से बात और कर रहे हैं। पेशेंस और जो एंडेवर है वही मेरे रेसिपी हैं जिसकी वजह से मैं ग्रो करता जा बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी चेंज, इट गॉट टू बी कम फ्रॉम विद इन। सो आई वर्क अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ मैसेज। यू ईदर डेड और डेडिकेटेड इन दिस पाथ दैट यू हेडेड। मतलब वही यही कह रहे हैं गाइज कि अगर देखो आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो तो ये आपके अंदर से आएगा, कोई दूसरा नहीं ला सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल आपको हर
हर दिन हर सुबह आपको जल्दी उठना है, इसी मैसेज को अपने दिमाग में अपने जहन में रख के, और या तो आप मर जाओ या तो आप इसी बात पे डेडिकेटेडली चलते रहो, वरना मरने का मतलब यह है कि या तो आप फिर पड़े हो, आप एक वो लाश मतलब की तरह हो जिसका कोई गोल ही नहीं है, आपने होप छोड़ दी और जो होपलेस इंसान होता है ना वो लाश की तरह ही होता है पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं इट्स हार्ड टू लिव विद द लाइट विदाउट इग्नोरिंग द डार्क। भाई क्या डीप चीज कही है कि जब तक आपको ना डार्क के बारे में आपको पता नहीं होगा आप लाइट की इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं समझोगे। और जब आप डार्क में रहे होगे, आपके अंदर डार्कनेस आपके अंदर जब घुसी होगी ना, तभी आपको पता लगा होगा कि लाइट की वैल्यू क्या है। बिल्कुल। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, इट्स हार्ड टू लिव विद द लाइट विदाउट इग्नोरिंग द डार्क, बट आई ट्राई माय बेस्ट बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। आई लाइक टू थैंक यू जर्माइन फॉर सेटिंग अ गुड एग्जांपल। Every time I bump forest hills drive, I tell myself I want to spread the same kind of vibe. तो भाई गजब चीजें बोल रहे हैं। जर्माइन को शाउट आउट, आई डोंट नो हु जर्माइन इज, आई थिंक सम उनका कोई फ्रेंड होंगे उनके भी, हाँ। जो जिसने एक गुड एग्जांपल लाइफ में उनके लिए सेट किया है। और जब भी वो फॉरेस्ट हिल की तरफ जाते हैं ड्राइव तो, करते हुए तो जो वाइब उन्हें वहां मिलती थी शायद वो जर्माइन ने दिखाई होगी, और वो वैसी ही वाइब को स्प्रेड करना चाहते हैं टू द किड्स इन द वर्ल्ड फाइनली कम, और नए बच्चों के लिए जो आज दुनिया में आ गए हैं या कहीं ना कहीं हिप हॉप से जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए। होप आई स्टिल रिमेन ट्रू टू माई ऑथेंटिक साइड, इंस्पिरेशन मोटिवेशन एंड एक्शन, लिविंग विद द डिसीजन आई मेक ड्रिवन बाय पैशन। और अगर आप वीडियो भी देखोगे मोटिवेशन बहुत अच्छी देखिए, वीडियो भी काफी ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैशबैक में कुछ सोच रहे हैं और ग्रेनी सा वीडियो है, जैसे होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल की, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्री चल रही है और बंदा पीछे का सोच रहा है, तो उस स्टाइल का वीडियो है। और अगर आप स्पिटिंग स्टाइल देखें तो जिस तरीके से स्पिट कर रहे हैं इंग्लिश में, यूनिक पोएट यार, भाई गजब आर्टिस्ट है, बहुत सही आर्टिस्ट है, पूरा ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ वाइब पकड़ रखी है उन्होंने, और फ्लो उसी तरीके का है उनका, उसी तरीके का, और जब लिख रहे हैं तो भाई बहुत ही कातिल लिख रहे हैं भाई सही में। सो वही आगे ये भी कह रहे हैं, आई एम गोना ट्राई एंड डू माई ओन डैम थिंग, सो लॉन्ग टू द नेगेटिविटी, मामा योर सन इज ग्रोन, आई एम ट्राइंग टू डू माई फकिंग जॉब इन पार्टनरशिप विद गॉड, इवन व्हेन द टाइम इज हार्ड आई एंट अलोन। तो वही बोल रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप गॉड की पार्टनरशिप के साथ हूँ, मैं अलोन नहीं हूँ, आप हो मेरे साथ, गॉड है मेरे साथ, गॉड है मेरे साथ, नेगेटिविटी को दूर कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर बोल रहे हैं, स्पिलिंग माय सोल इन दिस कैनवास, लुकिंग फॉर आंसर्स, टेकिंग चांसेस एवरी डे, स्टॉर्मिंग, टॉकिंग टू माय सेल्फ अबाउट व्हाट आई एम गोना से, कन्वर्सेशन विद द बीट, सो आई नीड माय फकिंग स्पेस, सैक्रीफाइस टू बी मेड इफ यू वांट टू बी ग्रेट। वही कह रहे हैं भाई, लास्ट लाइन तो बहुत ही सही बात है कि आपको त्याग करना पड़ेगा अगर आपको ग्रेट बनना है, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट। तो वो वही बोल रहे हैं कि अभी मैं बीट के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मुझे ना अपना स्पेस चाहिए ताकि मैं, और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ अपने आप से कि मैंने अब क्या बोलना आगे या क्या लिखना है या क्या स्पिट करना है, बिल्कुल अपने काम पे मैं फोकस रह सकूं, और मेरे को क्या क्या चीज़ें, वही एंड में बोल रहे हैं कि सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं कि अगर आपको ग्रेट बनना है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल गाइस, तो गाइस ये था इनका अभी तक का वर्ड्स, यहाँ पर हमने बहुत सही लिखा है, बहुत सही, मतलब ना डीप तो जा ही रहे हैं, ऊपर से मोटिवेटेड रैप, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना भी एक्सपीरियंस बता। 1994 आई थिंक ये बॉन्ड हुए होंगे 1994, मेरे को लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने फ्रेंड का रेफरेंस दिया ना, हाँ, कि वो थैंक यू जेरेमिन, तो क्या पता 1994 में कोई इंसिडेंट हो जिसमें वो उनके साथ गए हो या कोई वहां की वाइब हो उस टाइम की, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है, क्योंकि पुराना टाइम वो रिकॉल कर रहे हैं ना, वही ना, वही 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 वो पुराना टाइम रिकॉल कर रहे हैं, तो माइट बी। तो चलिए गाइस आगे का ट्रैक सुनते हैं और ग्रूव करते हैं। Inspiration, motivation, and action. Living with the decisions I make, driven by passion. I'm gone, nice. Trying to do my own damn thing so long. To the negativity, mama, your son is wrong. I'm trying to do my fucking job in partnership with God. Even when the times are hard, I ain't alone. Spilling my soul in this canvas, looking for answers, taking chances every day. Brainstorming, talking to myself about what I'm gonna say. Conversating with this beat, so I need my fucking space. Sacrifices to be made if you wanna be this great. You and I king, goddamn, I do what I do. Got some brothers with the same dream, so we made a team to make it come true. OMG, yeah, that's the crumb. Head to the top, not enough room. OMG, what she say when she see us doing shit better than you? The underdog is now a wolf, powerful. How would you devour you? What I could do is undoubtable. Giving you free sessions of how to do. If I was you, then I would lose and leave like a coward, dude. Bitch, you don't want a problem, so you better
think it through now. Hey, hey, hey. And I don't want a problem either. I just want to cool down. और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप बीट को देखोगे तो आपने एक वो वाला इंस्ट्रूमेंट देखा है जो गिटार होता है, पर वो ना बहुत बड़ा सा होता है और उसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। चलो 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 चलो, उसकी भी आप देखो हल्का पीछे पीछे ना उसका वो आ रहा है, चलो का वो ना वो बहुत सही बीट में उन्होंने वो सैंपल रखा होगा या कुछ रखा होगा ना, तो उसका सैंपल बड़ा सही बज रहा है पीछे ना। तो गाइस वॉइस बहुत अच्छा था। आगे उन्होंने जो बातें कही थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसको डिकोड कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि गॉड डैम, हाँ गॉड डैम आई डू व्हाट आई डू, गॉड डैम ब्रदर्स विद द सेम ड्रीम, सो वी मेड अ टीम टू मेक इट कम ट्रू, ओएमजी या दैट्स द क्रू। तो अपने क्रू के बारे में बात कर रहे हैं और अपने टीम, अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जब हम साथ में आएंगे तभी हमारी टीम बनेगी और तभी हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। और वही कह रहे हैं कि वो सेम जो उनके ब्रदर जिनके साथ उन्होंने सपना देखना स्टार्ट करा होगा ना, उन्हीं भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हेड टू द टॉप, नॉट इनफ रूम, ओएमजी व्हाट शी से व्हेन शी सी अस डूइंग शिट बेटर देन यू, द अंडरडॉग इन अ रो अ वुल्फ पावरफुल हाउ एट यू करके। तो भाई उसमें यही बोल रहे हैं कि भाई जो आज तक जो अंडरडॉग था ना वो अब वुल्फ बन चुका है। अंडरडॉग का मतलब ये होता है कि जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो जिस बंदे से किसी को, वो अंडरडॉग कहलाता है। अब फॉर सपोज यहाँ पर यूनिक पोएट अगर अपनी बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं अंडरडॉग था जो कि अब वुल्फ बन चुका है, और जब मैं हाउल करता हूँ तो मेरी हाउल बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल और टोटली एट यू। तो हाउलिंग के बारे में एज अ वुल्फ दिखा रहे हैं कि कितना ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। डिवोर यू व्हाट आई कुड डू इज अनडाउटेबल, गिविंग यू फ्री सेशंस फॉर हाउ टू डू, इफ आई वाज यू देन आई वुड लूज एंड लीव अ कावर्ड टू बिच। तो वही वो बता रहे हैं कि भाई अब कोई डाउट नहीं है मेरे पे, मतलब आप डाउट मत करो मेरे पे जो भी, एंड व्हाट शी से जो बाकी कह रही है लड़कियों की तरफ थोड़ा सा कर रहे हैं, एंड व्हाट शी सी अस डूइंग शिट बेटर देन यू। अब वो जो लड़कियों की तरफ या कहीं तो उनकी गर्लफ्रेंड्स की तरफ को भी वो कर सकते हैं या लड़कियों की तरफ, या वो जो देख रही है हमारी तरफ वो इसलिए देख रही है क्योंकि हम जो शिट कर रहे हैं वो तुमसे बेटर है और हम बेटर हैं तुमसे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये हुक आ जा रहा है इसका, ये हुक ही है क्योंकि ये पहले भी बोल चुके हैं, आई एम गॉन ट्राइंग टू माय ओन डैम थिंग्स सो लॉन्ग टू द नेगेटिविटी, मामा योर सन इज ग्रोन, आई एम ट्राइंग टू डू माय फकिंग जॉब इन पार्टनरशिप विद गॉड, इवन व्हेन टाइम्स इज हार्ड आई एंड अलोन। तो वही है गाइस, बहुत शॉट आउट वही, उसके बाद फिर वो शॉट आउट्स दे रहे हैं ओएमजी रिकॉर्ड्स और इनको, तो बिल्कुल तो बहुत ही ओल्ड स्कूल फील दे रखा है भाई, और हम खुद थोड़ा सा पीछे वर्ल्ड की तरफ चले गए। इस तरह के जो वीडियो हैं वो आप टूपाक स्नूप डॉग के टाइम पे देखा करते थे कि गाड़ियां पंप कर रहे हैं और इधर से वीडियो बन रहा है और इधर से वो एक हाथ स्टीयरिंग पे और दूसरे हाथ से रैप कर रहे हैं। तो आपने आइस क्यूब स्नूप डॉग के बहुत सारे देखे, इवन पुराने उसमें जब परफॉर्म भी करते थे लोग स्टेज, बहुत ज्यादा यूज करी जाती है ओल्ड स्कूल। और गाइस ओल्ड स्कूल के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो तो इस गाने को आप देख सकते हो जिसमें आपको ओल्ड स्कूल के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जिस तरह का स्पिटिंग स्टाइल इसमें अपनाया है वो प्योर ओल्ड स्कूल हिप हॉप वाइब देता है, आपको इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि ऐसा अब ना नए न्यू स्कूल ऑफ हिप हॉप में बहुत ब्लेंडिंग हो गई है, ब्लेंडिंग हो गई है, और इस तरह की स्पिटिंग ना, इस तरह का फ्लो और इस तरह की स्पिटिंग अब न्यू स्कूल ऑफ हिप हॉप में नहीं की जाती। अब बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब और अपने फ्लो को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे और एक तो मल्टी लैंग्वेजेस में वो कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स राइमिंग के साथ, और जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं इन स्कीम्स में भी अंदर से अंदर आप जितना उसे कॉम्प्लेक्स ले जा सकते कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो राइमिंग स्कीम बहुत सिंपल है, पर जिस तरीके से स्पिट कर रहे हैं वो आपको, अगर आप ओल्ड स्कूल हिप हॉप आप सुनते हो तो आपको सुन के पता लग जाएगा कि यार पहले तो
स्टार्टिंग ओल्ड स्कूल हिप हॉप बीट से हो रही है, फिर उसके बाद जिस तरीके से वो इंग्लिश में रैप कर रहे हैं वो टूपाक स्नूप डॉग की कहीं ना कहीं आपको एक छवि देता है देता है। तो गाइज वही चीज़ है, अगर आपने ये गाना अभी तक नहीं सुना है तो जाके यूनिक पोएट पे 1994 करके गाना है गाइज, इसको जरूर सुनिए। और अगर आप ओल्ड स्कूल फैन है तो आप इसे इंजॉय करेंगे, और अगर आप ओल्ड स्कूल के बारे में थोड़ा सुनना चाहते हैं तो इस गाने से आपको बहुत बेटर नहीं मिलेगा फील मिलेगा, फिर आप और पीछे जा सकते हैं एंड टूपाक और इनके गाने आप सुन सकते हैं, बिगी टूपाक आइस क्यूब राइट बहुत सारे पीछे स्नूप इन सब के गाने आप सुन सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन गाना है गाइस, हमें तो बहुत मजा आया, होप आपने भी एंजॉय करा होगा। और इसका जो रिएक्शन है गाइस वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर, तो आइए हमारा रिएक्शन चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो हार्ट इमोजी जरूर ड्रॉप करिए गाइस, आपको इसमें क्या क्या पार्ट अच्छा लगा जरा हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा गाइस। और गाइस हम लोग फिर वापस आएंगे एक फ्रेश और बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ, टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग off. Jai Hind, Jai Shyam.